अभी हमारी थोड़ी देर में स्टार्ट होएगी इफ्तारी। ये पार्सल अरे मैंने ना टेबल्स मंगवाए थे अपने लिविंग एरिया के लिए। ये हमारे पतासा आलू रोज बनते हैं, ये इसके बगैर ना वो अनकम्प्लीट है। भाभी एक मिनट जल्दी आए, मेरे से सैंडविच जल गया है। ये क्या हुआ है? अरे टर्किश रग मंगवाया है, पहले फटा हुआ है, मैंने पहले दिखा दिया फिर ताकि। अरे भी आपने अभी काटा है, अजीब। मैंने पहले दिखाया तुम्हें, समझ नहीं आ रही। तो बहुत बड़ा मसला हो गया, अब क्या करें, टेबल भी अभी नहीं बिछा सकते। This is me, Krakawal. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो गया है और आज का मेरा रोजा भी बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक। और अभी हमारी थोड़ी देर में स्टार्ट होएगी इफ्तारी, जो कि अभी जाके हम लोगों ने नीचे बनानी है। अभी दिन शुरू हुआ है, नहा धो के एक सुपारा कंप्लीट कर लिया है आज फिर मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब लोगों को भी मैं यही कहूंगी कि कुरान पाक का जो है ना वो जितना हो सके सुपारे आप मुकम्मल करें, और कुरान पाक को इस महीने, इस बबरकत महीने में मुकम्मल करके जो है वो अपने प्यारों को साले सवाब भी कर सकते हैं आप, और अपने लिए भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक जो है वो पढ़ा करें। खैर घर की मैंने सफाई वगैरह करवा ली थी सारी चीज़ें, ना नीचे जाना काफ़ी की आवाज़ जोरों शोर से आ रही है। मुझे लगता है कि अरीब साहब जो है वो भी मैचिंग के कपड़े पहन के नीचे गए हैं, जिसको मैंने तैयार करके नीचे भेजा और वो नीचे जाके काके को तंग करे। अभी जो आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मैं इस महीने 30 दिन व्लॉग्स अपलोड करूंगी, और 30 दिन में जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उसको मैं गरीबों में डोनेट करने वाली हूँ। तो मेरे इस अच्छे काम में आप लोगों ने मेरा साथ देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आप लोगों की तरफ से ये मेरे पास एक किस्म का डोनेशन है, आपका एक व्यू मेरे लिए डोनेशन है, तो जो कि आपकी तरफ से हेल्प आउट हो सकेगा। खैर अभी पहुँचते हैं नीचे। अस्सलामुअलैकुम, क्या क्रिकेट खेल रहे हो? आवाजें आ रही है मुझे काके की, अच्छा मालिको नहीं मिलना। ये देखना जरा अभी क्या करने लगे उसके साथ क्रिकेटर। जवान मिलना नहीं है मेरे से। बड़ी मैचिंग की हुई है। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बेगम है एक अदद, वो मेरे से मैचिंग करवाती है। मैं निकलता हूँ कपड़े निकलवाने के लिए, अपने हिसाब से मैचिंग करवा लेती है, तो वो मेरी मैचिंग हो जाती है। इस तरह हम दोनों मैचिंग करते हैं रोज। वो भी सोच रहा है क्या चाचू पागल हो गए, चाचू ने तो पता नहीं। चाचू अच्छा वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाची सीधा से, चाची से मिलता ही नहीं है, चाची से बदल गया। हमारे सुबह के 1000 पार्सल आ गए, जाके देख लो। सीरियसली? हाँ जी पार्सल आए हैं। अच्छा मैं तो इफ्तारी का सामान देखने आई थी, भाभी से मिलते हैं अभी सभी। यहाँ पे तो कुछ बन रहा है का सामान देख। ये क्या इफ्तारी बनानी होती है? यहाँ पे कोई मवाद रेडी है और ये आलू शालू कुछ बन रहा है। ये मुझे लगता है कि सैंडविच का सामान बन रहा है, जो कल मैंने नहीं बनाए थे, हो सकता है आज मैं बना लूं। कौन से पार्सल आए इतने? अल्लाह ये अच्छा, ओए ये और क्या है? ये आए हैं ऊपर, एक ऊपर पड़ा हुआ, ऊपर पड़ा। अच्छा ये पार्सल अरे मैंने ना टेबल्स मंगवाए थे और रग मंगवाया था अपने लिविंग एरिया के लिए, तो आज आपको इफ्तारी के बाद या अभी अगर हिम्मत है तो प्लीज सामान ऊपर पहुंचाएं। इफ्तारी के बाद ही करते हैं। क्या इफ्तारी के बाद ही करते हैं? एसी भी वहीं पड़े हुए हैं अभी तक। नहीं वो भी आ जाएगा एसी वाला। हाँ तो वो आएगा, वो एसी भी आज लग जाएंगे, और आज हम अपने साथ साथ अपने घर को भी जो है ना वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम अपने घर के हवाले से भी चीजें, रग मैंने मंगवाया, कौन सा रग मंगवाया ये दिखाऊंगी, सेंटर टेबल मंगवाई है कौन सी सेंटर टेबल मंगवाई ये भी आपको दिखाऊंगी। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। भाभी कैसे जा रहा है आपका रोजा? हाय आज मेरा तो बेहतरीन। हाँ मेरा तो बेहतरीन, मौसम भी बड़ा बारिश हो रही। हाँ भाई बारिश हो रही। आज सैंडविच बनेंगे ना फाइनली वो। भाभी ने आज फिर जो है वो आलू काट लिए हैं, और ये हमारे पतासा आलू रोज बनते हैं, ये आप भाभी की सिग्नेचर है। इसके बगैर ना वो अनकम्प्लीट है। हाँ ये इनकम्प्लीट चीजें जो है ना वो हम इफ्तारी में नहीं करते। ये पतासा आलू जो है ना ये भाई को बहुत पसंद है। भाई आलू खाते हैं और एक भाई की भाभी आलू खाती है। भाई की भाभी नहीं भाई की बीवी। भाई की बीवी नहीं भाई की भाभी, मतलब मैं बहुत ज्यादा आलू खाती हूँ, आप तो इतने आलू ही नहीं खाती हैं। अरे एक अरीब की बीवी बहुत आलू खाती है ना। अरीब आलू है इतनी सी खाती आलू है। यार ये 2 मिनट के लिए लड़का आता है रोस्टिंग करके वो चला जाता है नुक्कड़ में। इसी दिन आप लोगों ने वोट करना है कि अरीब की ऐसी रोस्टिंग करेंगे इसकी। अरीब बस अरीब इंसान बन जाओ। मैं अभी मुंह हाथ धो के तैयार होके आई हूँ। आपके फोन पकड़ के बैठा मैं, वही आपका फोन ऐसे फेंकेगा और बताएगा आपको। फेंकेगा हाँ चाचू फोन।
कितने प्यार से दिया है, इतने प्यार से तो कभी करा कमल ने प्लेट नहीं दिया रीप को। चले अब बनाते हैं भाई, भाभी की थोड़ी हेल्प करते हैं। साथ में आपने ये क्या बनाया है? कबाब। ये दूसरे सैंडविच बनेंगे, कबाब वाले बनेंगे। कबाब वाले, वो जो बाहर मवाद है वो कबाब का है? टिक्कियों का? वो कटलस का। वो कटलस तो मुझे बहुत पसंद है। तो अब हम जो है ना यहाँ पे सारा फ्राइंग का काम सारा मैं करती हूँ भाभी, आप इजी हो गए, आप बस मुझे बता दें कि क्या फ्राई करना। जब हम बनाने लगे हैं सैंडविच और ये जो मिक्सचर है ना, ये मिक्सचर भाभी क्या था इसमें? मायो थी, चिकन था और बॉयल एग का वो पूरा और काली मिर्चें, काली मिर्च और चीनी वगैरह मायो में थी ना। हाँ वो सब मायो में थी। ठीक है, ये रेसिपी मैं सीख रही हूँ। मम्मा ने तो कभी, मम्मा इफ्तारी में दो पकौड़े चिप्स, मम्मा कहती है पेट खराब हो जाएगा, और सैरी में सिर्फ चूरी चूरी और दही, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा वैसे दिल करता था तारीफ में कि कोई चटपटी चीजें हो? दिल करता था, लेकिन वही कहते हैं कि खाली पेट एकदम से इस तरह की चीजें, कचौरियां खा के उसके बाद वॉमिटिंग एक दफा स्टार्ट हो, उसको मुझे कचौरियों से एलर्जी हो। मैंने जो है वो सैंडविच बना लिए हैं, अब बारी है इन कटलेट्स की। इनको हमने हाँ जी मैंने बनाया, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो कल वाले सैंडविच आज बना लिए। हाँ जी आज अभी आज नहीं आएगी सारे लोगों की तरफ से तारीफ? आज आपको सिर्फ मेरे हाथ के बनाए हुए सैंडविच खाने पड़ेंगे। चलो भाभी आज इकरा के बने हाथों की उनको भेजो सैंडविच। हाँ उसके बाद कहेंगे आईना ना भेजना। इतनी चलाक टिंडा ना कि मैं आपको क्या बताऊँ इसका। अभी इसको लगने हैं क्रम्स लगेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। ये बड़े मजे के बने भाई। भाभी आपने इसकी रेसिपी तो बताई नहीं। आलू, प्याज, दड़ा मिर्च, छोटी मिर्च और चिकन, और उसको बड़े छोटे हर किस्म की मिर्च। हम लोगों ने आलू शालू अपने रख दिए हैं, आलू अब हो जाएंगे फ्राई। आलूओं को लगी हुई मैं फ्राई करने हल्की आंच पे। ये हल्की आंच में होता है, तेज आंच में ना ये बहुत ही काले हो जाएंगे। ठीक। अरीब आप किधर जा रहे हो? आप मेरी बात सुने, मैं चलती हूँ साथ फार्मासिस्ट के पास जाके। वैसे वो मेरे अकेले जाऊंगा तो देगा नहीं? नहीं देगा आपको। नहीं मैं उसको बताऊंगी ना कि शायद एक्जिमा ना हो जाए, कुछ चीज ना हो जाए। मैंने डॉक्टर से पूछा है कि ये आपको ना वो हुआ हुआ है, इन्फेक्शन हुई है तो ये इस तरह इसलिए फैल गई है। हाँ। तो इसको बस आपने ड्रॉप वगैरह डालने हैं। तो आज आने आ रही हूँ मैं साथ, ऐसे पता नहीं क्या ऊपर का डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपके नीचे है। गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी। हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से सीधा, आप जा रहे हैं फार्मेसी। अरीब की दवाई भी, वैसे आई ड्रॉप अरीब आप इफ्तारी के बाद डाल सकते हैं क्योंकि ड्रॉप्स आप रोजा टूट जाता है। ड्रॉप डालने से रोजा टूट जाता है? नहीं तो आंखों में ड्रॉप डालने से रोजा टूट जाता है। हाँ जी क्योंकि हमारे आईज में भी, आप भाई कमेंट में बताएं, मैंने भी सुना था, तब से मैं कभी आंखों में रोजे के दौरान ड्रॉप्स नहीं डालती। ऐसा मैंने सुना है घर पे, जब मैं मतलब मम्मी पापा ने बताया, लेकिन अभी ऐसा मुझे कंफर्म नहीं है। तो आप बताएं रीप साहब भी इफ्तारी के बाद ही आप करना, ठीक है ड्रॉप्स वगैरह। अभी हम लोग मेडिसिन ले लेते हैं क्योंकि इफ्तार के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं होती ना कुछ जाने की ना कहीं आने की, बस दिल चाहता है सो जाए। तो अभी बस चलते हैं, दवाई शवाई लेते हैं, लेट्स गो। मिल गई मेडिसिन? यस। चलो जी मेडिसिन हम लोगों ने ले ली है, अब बस यहाँ से सीधा चलते हैं। मैं वो चिप्स रखेंगे, पता लगे वो जल गई है, हमने भाभी को बता के भी नहीं। सेक्सी बात है, जल नहीं गई होंगी अगर बता के नहीं आई तो। भाभी 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 वो सही है चिप्स? मैं कहूँ अभी इकरा पता नहीं शायद ऊपर से क्या आ रही है, और वो मैंने देखा भागी है वो पीछे। जली तो नहीं? नहीं बच्चा तो हो गई है, बच्चा तो हो गई है, लगने लगी थी लेकिन इतनी नहीं लगी। कि वो आपने निकाल ली है वो वाली? नहीं वो निकाल ली है मैंने। अच्छा वो थी, वो बच गई है। और साथ आपने सैंडविच हो है, मुझे ना जेन में ही नहीं रहा मैं इसके साथ दवाई लेने, ऐसी ना रैंडमली चली। मुझे लगा शायद अभी ऊपर कुछ चीज अपनी पकड़ने के लिए। नहीं ये अरीब ने मुझे फोर्स किया था, अरीब आपकी वजह से आज मेरी चिप्स जल जानी थी। हाँ जी आपने मुझे कहा था कि इकरा मैं अकेला कैसे जाऊंगा। रोजा लोगों को पता है इसमें तंग कर रही हूँ, ठीक है आप भी मुझे तंग करते हैं, इसमें अजीब आदमी है आप। जी साथ में भाभी ने बनाए हैं, वाओ अच्छा ये वो शामी सैंडविच है। Nice, ये सारे सैंडविचेस रेडी हो रहे हैं, तो आज हम सैंडविच पतासा आलू और खाएंगे बस। और फ्रूट चाट बना ली है? फ्रूट चाट आता ना घर से? नहीं अल्लाह इसको देखे जरा, ये अपना दूध लेके आ गया कि इसकी भी इफ्तारी बनाए। ये देखो वो माँ सद के जाए, बेटे को भूख लगी हुई है, भूखो लगी है, लगी है। कैसे मेरे पास आके मस्के लगा रहा है। मस्के चला इधर आ, चले बाय बाय कर दो सबको, हम जा रहे हैं चॉकलेट खाने, ठीक है आगे चले। भाभी एक मिनट जल्दी आए, मेरे से सैंडविच जल गया है। ओए अल्लाह
ये देखें। मैं कह रहा हूँ स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही, कुछ हुआ है यार मुझे ना। अरे मैं बस सही बताती हूँ, मैंने ना एक चीज मैंने बनवाई थी तुमसे कि मैंने सैंडविच खाना है, चलो ये भी खा लेंगे इसको ना, लगा करूँ। हाँ इसको मैं, मेरी बात सुनो तो देखो, ये ना छुरी पकड़ो उसको, ये सही हो जाएगा, खाया जाएगा, खाया जाएगा, आप ही खाएंगे बाकी मैं खाऊंगी। सैंडविच बना लिया, अब इसको वो करती हूँ ना, साफ करती हूँ सैंडविच साफ कर। इस तरह करोगी तो सारा खराब हो जाएगा, फिर कैसे आराम से करो, तो फोन तो बस ठीक है, खा लो, खाया जाएगा ये। अरे नहीं ना, स्टमक के लिए अच्छा नहीं है, तो रोजेदार हो आप, ऊपर से इस तरह का खिलाऊंगी। ये रीपी टिन का कलर है और ये ही इकरा के खाने का कलर है जब इकरा खाना बनाती है। पापी भाई आप किसकी पार्टी में है? आप उसके जॉक पे भी हंसते हैं, मेरे जॉक पे भी हंसते हैं, भाई दोनों की पार्टी में, भाई भाभी की पार्टी में, भाई भाभी की पार्टी में। ये देखें जी, इफ्तारी का टाइम हुआ है तो ये काका आके रेडी हो गया है कि रोजा रखता नहीं, इफ्तारी करने आ गया है। सारी प्लेट्स इमली वाली कर रहा है। और चाची क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है, रोजा लग रहा है, भूख लगना शुरू हो गया। मैं, मुझे आपके साथ नहीं जाना चाहिए था मेडिसिन लेने, इतना लग रहा था कि सैंडविच भी जला दिया, चिप्स भी भूल आज गी। आज फिर आ गई है साथ वालों की तरफ से इफ्तारी। सीरियसली उन्होंने मेरी सुन ली, उन्होंने हमारा व्लॉग देख लिया, उन्होंने कहा ये लो बेटा जाओ आयश करो। वो देखो सही है, रखी हुई है, चलें खाते हैं फिर दिखाते हैं आज का मेन्यू क्या है। चलें जी गाइस, इफ्तारी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका मंतु व इलैका तवक्कलतु व अला रिज़्की का अफ्तर तु। हमारा मेन्यू है जी आज का, ये बड़े मजे के कटलेट्स हैं, साथ में चिप्स हैं, साथ में सैंडविच है, साथ में पतासा है, साथ में ये है फ्रूट चाट है, कचौड़ियां हैं और क्रीम सैलेड है। जला हुआ खाए ना, आप ये क्यों खा रहे हैं? ये वाला खाएं जो आपके लिए बनाया मैंने, वो मजेगा। सही बताया, मजेगा, इसने छोड़ दिया। सारी वगैरह हो गई थी, बहुत अच्छी सारी, बड़ा मजा आया। और अब जो है वो नमाज वगैरह पढ़ के फिर अपने घर की सेटिंग स्टार्ट करूंगी मैं। सारी करके बस सो लिया, नमाज पढ़ ली, सो लिया, बस नींदे पूरी, काम करना है अरीब आज भी। थोड़ा सा टाइम है जब तक मैं नमाज पढ़ती हूँ, आप रेस्ट कर लें, उसके बाद बाहर काम पे लगना। क्या करना, वो मैं ले आया हूँ ऊपर चीज, वो चीजें मैंने देख ली है। चले जी, मैं भी बस नमाज पढ़ के आती हूँ। हमारी सारी वगैरह हो गई थी, रेस्ट वेस्ट हम लोगों ने कर लिया, अब जो है वो बारी है अरीब को भी मैंने उठा दिया। अरीब जो सो रहे थे स्लीपिंग मोड में थे, उठ जाए भाई। सर उठ गया हूँ सर, थोड़ी देर, आधा घंटा लेटा हूँ तो सो रहा था, कब सोया हूँ। ये चीजें बाप ने बिछाना कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ क्या, इधर किचन में बिछा लेते हैं, यहाँ बिछाना ना। हाँ इधर बिछना, ये मिड में, ये टेबल उठ जाए पहले, सोफा वगैरह साइड पे करना पड़ेगा। यस, अरीब को हमने काम पे लगा दिया गाइस, जोर शोर से पहले। जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, हैं पैसे बताता हूं अभी देर तक, क्यों थोड़े काम करते, तो तंग ना करो, मैं बाहर बताऊंगा क्यों कर रहे हो। इतनी स्वीट में क्यों कर रहे हो काम, मुझे ये बताओ, ये यहाँ पे आएगा? नहीं नहीं, पहले मुझे बताएं कि क्या मसला, ये क्या क्या कोई ऐसी चीज है जो आपने मनवानी अपनी है? रमजान आ गया, रमजान नाइट पे क्रिकेट होती है। रमजान नाइट पे कौन सी क्रिकेट होती है, सैटरडे नहीं है आज, रमजान नाइट पे क्रिकेट होती है। अल्लाह, ये रोज होती है क्या? कभी कभी, लेकिन हफ्ते के अलावा भी हो जाती है। या अल्लाह, मैं आपकी जान निकाल दूंगी अरीब, ये जो तेजी तेजी का काम शैतान का होता है, ये शैतान बंद होंगे, मेरा शैतान जाग रहा है यहाँ पे। भाई ये क्या हुआ है? मेरा क्या, मेरा बहुत प्यारा, आपको पता है मैंने टर्किश रग मंगवाया है। 3, 2, 1 लगाया ध्यान से अरीब, ध्यान से। पढ़ा नहीं है ये, इधर कैसे पूरा आएगा, ये ज्यादा बड़ा है मेरे ख्याल से, ये काफी बड़ा है ये। मुझे लगता है फिर हमें ये पूरा ही कवर कर देना चाहिए, ये सोफे, सोफे इसके ऊपर आएंगे फिर। हाँ ठीक है, मैं झाड़ू भी लेके आती हूँ, सोफों के पीछे से निकाल लूंगी ना, गंद गंद निकाल लूँ। सबसे पहले तो मैं आपको निकाल लूंगी, ये जो क्रिकेट का मुंह बना के आ जाते हैं। जोक मारा गाइस हंसी। अरे मैं जान निकाल दूंगी, मेरे जोक पे भी हंसिया करो यार कभी, मैं भी अच्छे जोक्स मारती हूँ। बिस्मिल्लाह, ध्यान से रही, हाथ पे ना लगवा दो, कैंची दो, ये ये भी ठीक है। पहले फटा हुआ है, मैंने पहले दिखा दिया फिर ताकि अरीब, आपने मुझे क्यों लग रहा है क्या, अरीब आपने अभी काटा है, अजीब, मैंने पहले दिखाया तुम्हें, अभी क्या ये काटने के बाद दिखाया आपने, आप लोगों के सामने मैंने नहीं, काटा नहीं, है। नहीं, आप लोग देख के बता दे नहीं, मैंने नहीं, 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 अरीब आपने यहीं से, यू आर सो चलाक, मैंने क्या काटा, एक भी खराश नहीं, अरीब आपने ही हेल्प करनी, किसी और ने हेल्प नहीं करनी है, लेकिन ये क्या तरीका है, आपने कारपेट मेरा बीच में से काट दिया यार, मैंने नहीं काटा, अब पता लगे वहाँ पे भी कोई राख नजर आ गया छुरी मारने के बाद आपको। नहीं नहीं, पहले था, मैंने चेक कर लिया। तभी ना हम लोग कैमरे को कहीं पे प्लेस करते हैं और ये सोफा जरा हटाते हैं, सीधा किस तरह, ये सीधा नहीं, ये चारों कॉर्नर्स पे किसी भी तरह की बस रेक्टेंगुलर फॉर्म में, नहीं सीधा कौन सा, ये ऐसा सीधा, ये ऐसा सीधा, अरीब जाहिर है कौन सा, ये तो कॉमन सेंस होती है, क्या सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे, इन चीजों का नहीं पता ना मुझे, इस चीज की कॉमन सेंस है, जैसे इकरा को कुकिंग का नहीं पता, अरीब को इन चीजों का नहीं पता, वाह 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 वाह, जैसे ये खुल नहीं रहा था तो मुझे पता है, और अरीब को इतना सांस चढ़ गया कि अरीब ने हेल्प के लिए ना भाई को बुला लिया, वो बहुत भारी है, वो बहुत भारी है, बिल्ली देखियो, बिल्ली ना ऊपर आ जाए, बिल्ली मतलब जुहान,
बिल्ली ऊपर आ गई तो काम भाई। देखिए इसको कहीं ना साफ करे, देखे पता है इसने आज क्रिकेट खेलने जाने अरे क्यों लॉक लगाया यार, आपने हेल्प के लिए बुलाया उनको यार, क्या हेल्प कर रहा, तंग कर रहा है। शाबाश 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 साकिब शाबाश, जल्दी जल्दी शाबाश, हेल्प करूं शाबाश साकिब साहब, ये भाई को बुलाया तुमने, देखो दोस्त कह रहा है हम दोनों को। चलो स्टार्ट, 3 2 1 स्टार्ट। ओहो ये देखे जी, हमारी स्पेशल काम वाली बुलाई है हमने, ये मेरी शहजादी काम वाली है, इतनी प्यारी सी। ये क्या कर रही है, ये काम वाली गंद डाल रही है मजीद। बस चाचू कौन है ये तातू, यहाँ पे जो है ना ये लगे हुए हैं एफर्ट्स पुट करने प्रॉपर। हाँ ये देखें, आ जाएगा पूरा, कहाँ से जला नहीं है, ये सिर्फ गर्द लगी हुई हल्की फुल्की, देखो आ गया, बहुत सॉफ्ट है, नहीं नहीं वो लंबाई में तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैनेज काट देंगे आगे से। ये तो हमारे किचन में चला गया। आ गया, यहाँ तक कैसे क्या आएगा, यहाँ तक रखेंगे, इसको बंद करना पड़ेगा। हाँ जी, इसको रोल बैक करते हैं वापस और बस बंद कर देते हैं, फिर ये वापस चला जाएगा। अब सिर्फ हम लोग वो टेबल निकाल के तब तक रख लेंगे, ठीक है। देखो जरा इसके काम, बस चेक करो चाचू का काम बढ़ाते हुए, हो जाएगा हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, वो पूरा ही नहीं आ रहा, वो अब स्नेक की रोल बना के यहाँ रख दिया हम लोगों ने। हैं अब क्या कर रहे हैं, टेबल भी अभी नहीं बिछा सकते हैं क्योंकि टेबल वो पड़ी हुई है, अगर वो चाहिए तो फिर चीजें नहीं पूरी आएंगी। अभी ये सारा अब ये ऐसे ही हो गया, ये सारा अभी वो देखे आधी चीजें, अभी क्या करेंगे। ये है कि इसको सुबह चेंज करवाते हैं, नया मंगवाते हैं, कल वो पड़ेगा, कल प्रॉपर फिर लिविंग एरिया सेट करते हैं, इसको सुबह सेट कर लेंगे ना, ठीक है। तो बाकी इसको अभी इसीलिए नहीं सेट कर रहे क्योंकि अरीब साहब को निकलना है, और ये इतनी जल्दी में ये लड़का के मैं आपको क्या बताऊं, इसकी शक्ल की जो चलाकी है ना, ये मैं आपको क्या बताऊं इसकी, इसको देखो जरा, इसको कोई लेके जाओ यहाँ से, ये गट्टू सिंह। घर में कचरा डलता था ना बचपन में, मम्मा इस तरह की सेटिंग कर रही होती थी, तो हम लोग भी यही हरकतें करते थे। और अब मुझे याद आ रहा है कि बच्चों को ना इस तरह के डिजास्टर में बहुत मजा आता है क्योंकि उनको अपने खेलने का ग्राउंड मिल जाता है। खैर अभी हम कर रहे हैं अरीब को यहाँ से रुखसत, अरीब की तो सही क्रिकेट, अरीब इस सैटरडे यू विल नेवर गो एनीवेयर, ओके ओके डन, 2 1 चल बाय कर दो, बाय 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 बाय, नहीं करेगा, उसको पता है आपने चले जाना चाची के पास रहना, ठीक है। तो इस वीडियो को, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ये यहीं पे ऐसे ही चलता रहेगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।